आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कक्षा 5 के सत्रांक आपको किस तरह से ऑनलाइन करना है। बहुत आसान है। सबसे पहले आप लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है। रिजल्ट के ऑप्शन में आपको आना है और रिजल्ट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे रिजल्ट एंट्रीज का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ये मिल जाता है सेशनल मार्क्स एंट्री प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल एजुकेशन। आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरह से पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपको कक्षा और सेक्शन है ये आपको सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे गो बटन पे क्लिक कर देना है। और गो पर क्लिक करते ही आपके सामने ये इस तरह से पेज आता है। यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है स्टूडेंट्स की जो डिटेल है, ये नाम, फादर नाम और जो सीरियल नंबर, जो यानी जो विद्यार्थी के स्कॉलर नंबर जो होते हैं ये यहाँ पे शो होते हैं, ये मैंने हाइड कर रखे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे सेशनल मार्क की एंट्री करनी है। अब यहाँ पे आपको कुछ समस्या आती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेशनल मार्क्स जो है यहाँ पे 20 में से दिए हैं, जैसे हिंदी में से, ये किस आधार पर देने हैं। तो इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह से एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ के जरिए आप ये सत्रांक का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, बोर्ड के रोल नंबर लिखने हैं। यहाँ ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और कक्षा कक्ष गतिविधियों के आधार के ऊपर ये 50 में से नंबर है। वहीं प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि के आधार पर ये 20 में से नंबर है और व्यक्तिगत गुण और अभिवर्तियों के आधार पर जो गतिविधियां हैं उनमें से 30 में से नंबर है। कुल 100 में से आपको 15 नंबर सत्रांक देने हैं, 5 नंबर उपस्थिति के और आपको इस तरीके से 20 नंबर सत्रांक में से देने हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मान लीजिए कोई भी बच्चा XYZ उसके रोल नंबर लिखे आपने, लिखित आकलन SSA 1-2-3 के आधार पर उसके 10 में से कितने नंबर बनते हैं, पोर्टफोलियो स्थिति के अनुसार उसके 10 में से कितने बनते हैं, चेकलिस्ट अंकन के अनुसार उसके 10 में से कितने बनते हैं, ये सब आप करें। उसके बाद में ये बहुत ईजी है, देखिए एक एक पॉइंट में बताऊंगा तो आपका समय ही खराब होगा, बाकी आप सब टीचर इसमें एक्सपर्ट हैं। 100 में से उसके कितने बनते हैं ये आपको यहाँ पे, जैसे 100 में से आपके यहाँ पे विद्यार्थी के 90 बन रहे हैं तो 90 जो है उसके 15% आपको निकालने हैं, ये आपके इसमें 15 में से आ जाएंगे। उसके बाद में उपस्थिति के 5 अंक हैं ये आपको देने हैं। अब इसके भी नियम है कि 5 कितने प्रतिशत उपस्थिति में, 5 कितने उपस्थिति में, 4-3, ये नियम भी आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे मिलेंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पे 20 में से दे सकते हैं। अब आपको बताना चाहूंगा, एक तो ये PDF सत्रांक वाली और नीचे की तरफ ये जो PDF है, एक कार्य अनुभव कला शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, इसमें 100 में से नंबर देने डायरेक्ट, तो ये 100 में से नंबर और ग्रेड इसके लिए ये PDF है। ये PDF आपको मिलेगी और साथ ही आपको मैंने जो बताया कि उपस्थिति वाला जो नियम है, ये नियम आपको मिलेगा हमारे नंबर जो है सेशनल मार्क है ये आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे सभी बच्चों का, इंग्लिश का किया, मैथ्स का किया, EVS का, उसके बाद में संस्कृत उर्दू यदि हो तो, उसके बाद में ये आपके क्लास शिक्षा कार्य अनुभव, जो भी आपके क्लास शिक्षा कार्य अनुभव और स्वास्थ्य सारी शिक्षा, इसके आपके नंबर आपको फिल करने हैं। अब आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको सेव हर बच्चे का सेव नहीं करना है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का गलत दर्ज हो गया हो आपको तब एडिट कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चे का आप यहाँ पे सेव करेंगे तो वही शाला दर्पण वाली फीकी है, वो घूमेगी हर बार, तो आपके समय खराब होगा। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखेंगे जब इसके, तो सेव ऑल का बटन मिलता है, ये रहा सेव ऑल का बटन। यहाँ पे क्लिक करके बस आप सभी को एक साथ में सेव कर सकते हैं, सभी बच्चों की एंट्री कर लें, उसके बाद में सभी को सेव ऑल कर लें। सेव ऑल करने के बाद में आपको यहाँ ऊपर की तरफ ये जहाँ माउस का कर्सर देख रहे हैं यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करके इसका प्रिंट ले सकते हैं, PDF ले सकते हैं। और मान लीजिए उसके अंदर आपको लगता है प्रिंट के अंदर की कुछ गलती रह गई हो तो आपको वापस यहीं पे आके एडिट कर देना है, संबंधित बच्चे का एडिट हो जाएगा।